والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لعلى خلق عظيم। अज़ीज़ान ग्रामी, अल्लाह ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम की जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, बयान की है, उसमें ये कहा कि प्यारे हबीब, आपका अपने अखलाक और किरदार पर इस कदर होल्ड है कि आपका किरदार और अखलाक आपकी सवारी बन चुका है, आपकी लगाम आपके किरदार और अखलाक के हाथ में नहीं बल्कि अखलाक और किरदार की लगाम आपके अपने हाथ में है। इस कदर आप अपने अंदर पुख्ता हैं, इस कदर आप अपने अंदर मजबूत हैं कि अब कोई चीज़ आपको हिला नहीं सकती अपनी जगह से। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात कुरान मजीद ने ऐसे ही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं कही। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसफ़ को बयान किया है कि नबी कोई अगर काम करता है तो वो जोश के साथ नहीं करता बल्कि पूरे होश के साथ करता है। पहले नबी का काम होश और उसके बाद फिर जो नबी का काम चलता है वो फिर पूरी कुव्वत और जोश। वक्ती उबाल, वक्ती जोश, वक्ती कोई शय मुतहरक हो जाए, वक्ती इश्तियाल की बिना पर नबी अलैहिस्सलाम ने कोई काम नहीं किया। ये नबी अलैहिस्सलाम का वो एतदाल का रवैया है जिस एतदाल के रवैये के ऊपर ही नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर काबू, मुख्तलिफ वाक़ियात के अंदर हम देखते हैं कि काबू है और कंट्रोल है। ऐसा नहीं, ये उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा और अहम मसला है और उसमें खसूसन बिलखसूस दीनदार लोगों का सबसे बड़ा ये मसला। इस उम्मत के अंदर बड़े लोग इस मसले के अंदर आए और तबाह होके रह गए, बड़े लोग इधर दीन की राहों पर आए बर्बाद होके रह गए, फिर वो नज़र नहीं आए। जोश उठा, जोश, मैंने कोई खुतबा दिया आपको जोश आया, आपने कोई तकरीर सुनी डॉक्टर इसरार साहब की जोश आया, डॉक्टर जाकिर नाइक को तकरीर करते हुए सुना आपको जोश और कुव्वत आपके अंदर एक पैदा हुई, आपने किसी आलम दीन की किताब पढ़ी आपके अंदर एक इश्तियाल आ गया, यानी आप पूरी कुव्वत के साथ आपने चाहा कि मैं ये दीन का काम करूं। लेकिन साल छः महीने गुजरे, ना आपका जोश नज़र रहा, ना आपको होश कहीं का रहा, फिर वही दुनिया, वही आप, फिर ना नमाज में कोई ध्यान, ना कुरान में कोई लुत्फ, कहीं भी आप नज़र नहीं आते। और ये दीनी कारकुन हो या मजहबी कारकुन हो, सबके साथ ये मामला होता है। और इसके पीछे मुतहरक कौन है? इसके पीछे मुतहरक होता है शैतान। जब ईमान का अलाव दहकता है ना, तो शैतान फौरी तौर पर आदमी को छोड़कर पीछे हट जाता है। वो कहता है ये तो बहुत बड़ा अलाव दहक रहा है इंसान के अंदर, फिर अल्लाह की मोहब्बत जोश मारती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जोश मारती, आखिरत का ख्याल आता उसको और उसको ख्याल होता है कि मैं एक दिन मर जाऊँगा और अल्लाह की बारगाह में मैंने पेश होना है और वहाँ एहतसाब होगा और मुझसे जवाबदहियाँ की जाएंगी और मुझे जवाब देना पड़ेगा, जहन्नुम के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये कुव्वत पैदा होती, ये एक अलाव दहकता है बहुत जोर का, जिसकी तपश और हरारत से भी शैतान पनाह मांग कर भाग जाता है। लेकिन वो कहीं जाता नहीं, हदीस शरीफ में आता है वो कहीं नहीं जाता, वो तो दूर खड़ा होकर देखता रहता है कि आग का अलाव ठंडा कब होता है, वो मुंतजर रहता है कि आदमी कब आग के अलाव को ठंडा करे, कब ये इसकी ईमान की हरारत कम हो, कब ये इस्लाम की तपश कम हो जाए, तो फिर मैं इसके करीब जाऊँ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक मिसाल दी कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो शैतान अपने पेट से हवा खारिज करता हुआ भाग जाता है कि हत्ता कि उसको मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई ना दे। सरकार ने फरमाया जो ही मुअज्जिन की आवाज़ कम हो जाती है और ख़त्म हो जाती है अजान, वो फिर लौट आता है और आकर के मुअज्जिन समेत तमाम नमाजियों की नमाज के अंदर खलल पैदा करता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, और फिर वो बंदों के दिलों के अंदर तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के ख्यालात और शुबहात पैदा करने की कोशिश करता है। यानी ईमान की जोश और ईमान की हरारत और इस्लाम की तपश और कुव्वत ईमानिया एक ऐसी चीज़ है कि जब वो खुद बुलंद आवाज़ से जहूर करे ज़ाहरी तौर पर, तब भी शैतान भाग जाता है।
और जब इंसान के अंदर कोई बातनी कैफियत बदलती है तब भी शैतान वहां से भाग जाता है। लेकिन शैतान बंदे को पूरा खलवत का मौका देता है, उससे अलग हो जाता है। क्यों? वो कहता है तू अपना चाव पूरा कर ले, तू अपना चाव पूरा कर ले, तू अपनी सारी कोशिशें पूरी कर ले। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में सहाबा इकराम ने बड़े बावाज़े बुलंद लब्बैक पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल इनसे कहिए कि ये बावाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाह को बड़ा महबूब है ये कलमा, बरसों सदियों के बाद जाकर के मक्का की जमीन पर यह कलमा दोहराया गया है, जहां शिर्क की अब जड़ें कट रही हैं और तौहीद की जड़ें बोई जा रही हैं ये बुलंद आवाज से। लेकिन कुछ ऐसे जोश में आए, इतना बावाज़े बुलंद पड़ा कि गले की आवाजें बैठ गईं। पैगंबर ने फरमाया, सुनो मुसलमानों, तुम में से कोई आदमी अपनी इबादत से अल्लाह को हरा नहीं सकता, उसको थका नहीं सकता कि इतनी इबादत करे कि अल्लाह सवाब लिखता 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 थक जाए, और इतनी इबादत करे कि खुदा हार जाए कि मैंने इसको इबादत का कहा था, इसने मेरी शान शान से भी बढ़कर इबादत कर दी, जिस शान का मैं मुस्तहिक था उससे बढ़कर इसने इबादत की है। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपनी आवाजों को धीमा रखो, तुम्हारा खुदा बहरा नहीं है। शरीयत एतदाल की राहों पर बंदे को आने का हुक्म देती है कि तुम्हें एतदाल की राहों पर आना पड़ेगा। इसलिए जोश के बाद एक जमूद पैदा हो जाता है, लोग फिर उस जोश के बाद जमूद, एक मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने किताबचा लिखा था किसी जमाने में कि जोश के बाद जमूद, जमात इस्लामी में बेशुमार लोग दाखिल हो गए, जोश के साथ हम बदल देंगे, हम हटा देंगे, हम ये कर देंगे, उसके बाद वो बदल गए, और जब वो बदले तो फिर बाद में किसी काम के भी ना रहे, चार दिन इश्तिहार लगाए, दस दिन खुतबे करवाए, उधर गए इधर गए, काशिफ साहब से बातें सुनी, रोज टेलीफोन, रोज दीन का सबक, दो दो घंटे टेलीफोन ही नहीं छोड़ते, दीन का सबक लेते आ रहे हैं जी, इतकाफ हो रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, तहज्जुद पढ़ी जा रही है, जिक्र अल्लाह का किया जा रहा है, बस जोश बढ़ता जा रहा है और इबादतें होती जा रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर कैसे ठंडे होते हैं कि ईद की नमाज से पहले लोग आते ही नहीं, भागे भागे आ रहे हैं। एहतमाम ईद क्यों नहीं होता? क्योंकि एहतमाम फजर नहीं होता। एहतमाम फजर क्यों नहीं होता? कि क्योंकि शब की जो शब बाशी है वो पैगंबर की तरह एहतमाम नहीं की जाती। वो क्यों नहीं की जाती? क्योंकि रात को शैतान खोल दिए जाते हैं यकम शवाल को, हम समझते हैं हम चुतरे बेमुहार हो गए हैं, नतीजे के अंदर फिर ये निकलता है कि नमाज ईद के ऊपर ही पता चल जाता है कि हमें अपने आप कितना काबू है और कितना काबू नहीं है। ये वो सानिया है जो उम्मत का हर रमजान के बाद और शियों के यहां हर मुहर्रम के बाद होता है। ये रमजान के नमाजी हैं, वो मुहर्रम के सिपाही हैं। ये रमजान में हमारे अहले सुन्नत वल जमात क्याम कर रहे हैं, रमजान के नमाजी मस्जिदें भर दो के कम पड़ जाएं, हुकूमतें परेशान हैं कि ये मस्जिदें कहां से और लाई जाएं, इतनी मस्जिदें बना दी गई फिर कम, फिर सड़कों पर इबादतें हो रही हैं, सड़कों पर सजदे हो रहे हैं, सड़कों पर रुकू हो रहे हैं, वहां आमीन की आवाजें बुलंद हो रही हैं, लगता है कि रुए जमीन पर खित्ता पाकिस्तान सारे का सारा नूर नला नूर से बना दिया गया है। ये मोमिनों की अदाएं हैं। हमारी इन अदाओं को देख करके यकीनन फरिश्ते भी खुश होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी खुश होता है, और वो लोग जो इस रमजान मुबारक के अंदर दीन का काम करने वाले होते हैं उनकी तो खुशियां वैसे ही दुबाला हो जाती हैं। वो समझते हैं कि उम्मत एक दफा से फिर यकजान हो गई है और फिर एक दफा से दीन की कोशिशों की तरफ रागिब हो चुकी है, वो एक काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर ये बात पैदा हुई कि जब ये रमजान की चांद नजर आता है उसके बाद से लेकर के जब तक कि वर्किंग डे शुरू नहीं हो जाता, नमाजी किधर को चले जाते हैं? सोशल मीडिया पर ऐलान होता है, हजरात रमजान के नमाजी गुम हो गए हैं, उनसे कहें तशरीफ ले आएं, उनको मस्जिद में आने से रोका नहीं जाएगा ना उनको मारा जाएगा, तशरीफ ले आएं, ये वही मस्जिदें हैं जहां अल्लाह रसूल की इबादत होती थी, ये वही मस्जिदें हैं जहां जोहर असर मगरिब इशा फजर होती थी, ये वही मस्जिद है जहां इतकाफ किए गए थे, ये वही मस्जिद है जहां क्याम रमजान हुआ था, ये वही मस्जिद है जहां तलावत कलाम पाक हुई थी, और आप सजदे से नहीं उठते थे। हजरात उनसे कहिए ये अल्लाह रसूल का वास्ता, दोबारा मस्जिदों की तरफ आ जाए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जोहर की नमाज के वक्त खुशियों के अंदर भूल भाल के अपने रब को, मस्जिदें खाली पड़ी हैं,
और हम नींद पूरी करने पे लगे हैं, लोगों को ईद मुबारक कहने के लिए जाओ तो लोग सोए हुए उठते हैं, क्या रात भर जागता रहा हूं? क्या करते रहे हो रात भर जाग करके? कौन सी इबादत तुमने रात भर की है? वो दुनिया कौन सी इकट्ठी की कि जिसने तुम्हें 30 दिन की प्रैक्टिस को खत्म करवा करके तुमने उसने तुम्हारी वो 30 दिन की आदत को कत्ल कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। और एक ऐसा ही था जैसे तोप के धाने पर किसी को रखकर उड़ा दिया जाए और उसका वजूद बाकी ना रहे, ऐसे तुमको उड़ा दिया गया। वो कौन सी चीज थी? कहां चले गए वो मुसलमान? वही फिर डांस पार्टियां हैं, वही खाने की प्लेटें हैं रसूलुल्लाह के दौर की, खाया पिया जाए लेकिन ऐसी कसरत से खाया जाता है कि वो इसराफ से भी आगे बढ़ जाता है और शैतान के भाई बहन बन जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है? क्यों रमजान के हम देखते हैं कि ईद की नमाज को लोग भागे हुए आ रहे हैं? वो क्यों भागे हुए आते हैं जरा हमें बताइए। वो तो ये था कि ईद की नमाज से आधा घंटा पहले आकर यहां तकबीरात पढ़ी जाती, बंदा खुद आता, उसकी अहलिया आती, उसके बच्चे आते, उसकी माँ आती, उसकी बहन आती, उसके भाई आते, सबको लेकर के ईदगाह में आकर के आधा घंटा बैठकर अपने रब की तकदीस बयान करता, मेरे मालिक हमने जितनी ये बातें की अल्लाहु अकबर तो उससे बड़ा है। फिर दूसरा अल्लाहु अकबर पुकारता, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह से फिर दूसरे तकबीर में कहता या अल्लाह जो कुछ भी अब हम करेंगे तू उससे भी बड़ा है, तेरी शान शान नहीं है सारी चीजें, ना शान शान रमजान था ना शान शान ये ईद हम पढ़ने के लिए आ गए हैं अगर तकबीरें बयान कर रहे हैं। यहां आकर किसको याद था ईद के दिन की क्या बातें आपको बताएं? और ये क्यामत आई है कि मुसलमानों का घराने हैं और वहां का ही दिन रात की जो रोजमर्रा की जिंदगी वो तबाह होकर रह गई। इसका सिर्फ एक ही मर्ज है, उस मर्ज को समझ लें, उसको हम कहते हैं ज़ोफ़े इरादा, अपने इरादों में आदमी का कमजोर हो जाना और कुव्वते इरादी उसकी खत्म होकर रह जाना, डिसीजन ना ले पाना, कोई कुव्वते फैसला ना होना। किसी आलिम को तकरीर करते सुना तो उसकी बल्ले बल्ले सुनी का मैं इस जैसा आलिम बन जाऊंगा। एक दोस्त को मुझे याद है वो किसी जमाने में डॉक्टर जाकिर नायक को देखते कुरान पढ़ा लोगों को सिखा रहे हैं और दीन बतला रहे हैं, तो जब बहुत से लोग दीन की बातें वहां पे करते और इस्लाम कबूल करते जोश आया, मुझे कहने लगे कि मैं डॉक्टर जाकिर नायक की तरफ बनना चाहता हूं अपनी तालीम छोड़ छाड़ के। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मैंने कहा आप ना बनिए, 5 साल के बाद बन जाइए फिर मैं आपको बना दूंगा। उसके बाद खत्म हो गए, काम हो गया, फिर वो किसी के पीछे लग गए। ये बड़ी सी दाढ़ी रख ली इतनी लंबी, मैंने उनके कजन को कह दिया भाईजान इतनी लंबी रखिए, बस उस वक्त का इंतजार कीजिए जब इतनी हो जाएगी। इतने जोश और जज्बात के साथ यूं पांचे ऊपर चढ़ाए भागे जा रहे हैं, फिर वो वक्त आ जाता है कि पांचों के नीचे से भी जो है पेंट जा रही है उसके भी कोई परवाह नहीं। यानी इस कदर अपनी आप को रखना कि पहले अल्लाह की इबादत शब गुजारी में कुरान करीम पढ़ते हुए सारी रात होना, फिर सारी रात इंटरनेट पर उसकी गुजर जाती है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है वो जुमे के बाद बैठकर असर तक, मैं अपने नबी को हदिया भेजूंगा। उसके बाद फिर ये होता है कि असर के बाद वो बैठ जाता है चैट करने के लिए गैर लड़कियों के साथ, बातें करता है और मौज करता है और अपने हुजरे से नहीं निकलता है। यानी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती और फिर ये आलम होता है कि फर्ज नमाज की तरफ कभी दिल नहीं लगता है। ये कौन सी क्यामत मुसलमानों पर आई? एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का, इंसान अपना फैसला कर ले कि उसको किस जानिब जाना है, या उसको दाएं जाना है या बाएं जाना है। अल्लाह ने फरमाया अपना फैसला ले कि तुझे किन असहाब में शामिल होना है, सहाबुल यमीन या सहाबुल शमाल, किस जानिब तुझको जाना है कि इनके हाथ में दाएं हाथ में नामा अमाल होगा या बाएं हाथ में नामा अमाल होगा, दोनों में से एक को देख है इंसान। और तुझे कौन सी चीज धोखे मांगर रखा रब्बिल करीम, तुझे अपने रब की तरफ से किस किस्म का धोखा हो गया कि खुदा को बेवकूफ है कि वो तेरी जज्बाती और सारी लाओबाली जहन की इबादात को कबूल करके तेरे अगले पिछले गुनाहों को छेड़ेगा नहीं। कभी शब कदर की तलाश होती है और कभी अमावस की रात की तलाश होती है। हाँ, वो शब कदर जिसके अंदर इंसान गफलत नहीं बरता, और फिर ऐसी शबें आती हैं कि जिसके अंदर गाफिलीन में लिखा जाता है कि ये उठकर इबादत तो क्या फजर की नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है आदमी। बहाने हैं इंसान के कि वो ज़ोफ़े इरादा का मरीज हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे बुरा आदमी दीन और दुनिया के हवाले से ज़ोफ़े इरादा का मरीज है कि जिसके अंदर कुव्वते इरादा ही नहीं है, कुव्वते फैसला ही नहीं जिसके अंदर कि मैं कौन हूं, आया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं या मुझे किसी और रास्ते को इख्तियार करना है। दोनों में से एक रास्ता इख्तियार करे, या सरासर मोम हो या फिर संग हो जा, ये दोनों में से एक मामले को इख्तियार करना है। ये कभी वो मामला और कभी वो मामला, गोमगो की कैफियत, एक जुमा और चंद आयतें सुनी तो दिल की कैफियत बदल जाए,
फिर उसी के बाद किसी जगह का कोई और जगह का पैगाम आया और वहां की रौनकें देखी और एक दो गाने सुने तो दिल की कैफियत उधर को बदल जाए। ये क्या है? ये नेकी और बदी का इख्तलात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ये मामले बड़े खतरनाक हैं, इंसान से बता दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इख्तलात इस तरह अल्लाह के यहाँ बर्दाश्त नहीं है। खुदा तो कहता है कि जब वो ईमान लाए आमन्ना, उन्होंने कहा लो आमन्ना सुमस्तकामू, फिर वो डट गए। अल्लाह ने फरमाया जब कहा कि हम ईमान ले आए और उसके बाद वो डट गए सुमस्तकामू, अपनी जगह पर मजबूत हो गए। इसीलिए इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम के बारे में जब आता है तो मुस्तकीम इस्तकामत से निकला है कि जो अपनी जगह पर बिल्कुल रहे और हिले नहीं। खुदावंद आलम मैं तुझसे उस सीधे रास्ते की इल्तजा करता हूं जिस सीधे रास्ता बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है और वो रास्ता कभी हिलेगा नहीं, यानी शरीयत डगमगाती नहीं। वो ये नहीं करती कि आज अगर खुशी है तो इंसान की कैफियत और है और कल है तो फिर और है। घर में मरग हो गई तो किसी को नमाज याद ना रही, शादी आ गई तो फिर किसी को नमाज याद ना रही। शादियों का तो ये आलम है कि बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार पांच वक्त के नमाजियों को देखा है, वो शादियों के अंदर वो गुम हैं और उसकी खुशियों को उनको पता ही नहीं कि नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। बड़ी बड़ी नेक खवातीन हैं, इन चश्म ने खुद देखा कि पांच वक्त नमाज पढ़ती थी, नमाज का वक्त हुआ कहा इतना मेकअप दो घंटे लगा करके तीन घंटे करवा के आई हूं, अब इसको कैसे धो करके नमाज पढ़ूंगी, मेकअप लेकर औरत को बैठ गया। शादी की तकरीबात हैं, नाच भी हो रहा है गाना भी हो रहा है, खुदा और रसूल की मुखालफत भी हो रही है और उसके बाद फिर नमाज कहीं मिलती नहीं। और फिर कहते हैं फोन करके पूछते हैं काशी साहब वो बताया था आपने हुजूर पाक ने कभी कभी दो इकट्ठी करके भी पढ़ी है तो पढ़ ले। अल्लाह अकबर, रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला खौफुन वला उज़रुन वला मतरन, पैगंबर के पास ना खौफ था ना उज़र था शादी का, सुन लो कोई उज़र नहीं था, तब पैगंबर ने इकट्ठी करके की। नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं हुआ कि पैगंबर लहवो लाभ में डूब करके अपनी नमाजों को छोड़ गया हो। बहाने ना बनाए मुसलमान जमा बैन सलातैन के, अगरचे शरीयत इस्लामिया इसकी इजाजत देती है कि आदमी पर अगर नीक का गलबा है सफर है तो ऐसे उजर के अंदर आकर के वो इस तरह का काम कर सकता है, बारिश हुई है कर सकता है, मदीने के अंदर रहते किया लेकिन उसकी दलीलें कुछ और है, उसका पस मंजर और है, उसका बैकग्राउंड कुछ और है। अपनी गुनाह की दुनिया को और अपनी गफलत को, अपनी जोफे इरादा को और अपने आप के जोश को ठंडा होते हुए देख करके नमाज को जमा बैन सलातैन करना यह किसी सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये झूठ है, ये पैगंबर की हदीस की तशरीह गलत है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात पर एक बहतान है जो एक उम्मती अपनी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखकर लगाता है। ऐसे उम्मती की बख्शिश कबूल नहीं जो अपनी अपने मजे के लिए दीन को शरीयत और मोम की नाक बना लेता है कि जिस तरफ को चाहे उसका रुख फेर दो, जब चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस अमल को अपनी बदनीयतों और अपनी बदअमालियों पर दलील बनाकर ला करके लोगों के मुंह चुप कर बंद कराने की बात करता है उसको समझ लेना चाहिए, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे लेकिन फरिश्तों के लिखे हुए कलम नहीं रुकेंगे, वो लिखे जाएंगे उसकी बदनीयतों के ऊपर। अल्लाह उसके कलूब के अहवाल को जानता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, खुदावंद आलम ने कहा अल्लाह यालम खानुल आय, अल्लाह तो जानता है इंसान की आंख की किस वक्त खयानत कब और किस मुकाम पर होती है, इसीलिए अल्लाह दिल के कलूब के अहवाल को भी पहचानता है। आदमी का सबसे अच्छा अमल आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि इंसान की जिंदगी का अगर सबसे पहला अखलाक, अखलाक की एक लंबी फहरिस्त है, शुजात है, अदालत है, सखी होता है, मुत्तकी होता है, लेकिन पहली चीज जो मुकद्दम रखी गई है अखलाक के अंदर और उलमा अखलाक ने उसके ऊपर लिखा है एथिक्स के अंदर, आदमी की सबसे अच्छा आला बेहतरीन वसफ यह कहा गया है कि उसको अपने आप पर कंट्रोल हो और उसको इस्तकामत उसके पास हो, वो मुदावमत करता हो यानी हमेशा करने वाला हो, हमेशा करने वाला हो, उसकी फितरत सानिया बन जाए, जैसे फूल से खुशबू दूर नहीं की जा सकती, चांद से ठंडी रोशनी दूर नहीं की जा सकती, जैसे आफताब से गर्म किरणें भी नहीं दूर की जा सकती, जैसे पानी के अंदर से चीजें दूर नहीं की जा सकती, इसी तरह से उस आदमी की ऐसा वसफ बन जाए कोई भी अखलाक के लोग कहें कि ये एक बात तो उसे सादर हुई है मैं मानता हूं क्योंकि वो करते ही ये हैं और ये सादर हो नहीं सकती। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आपको दूसरी चीज सिखाता हूं, जब बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पे बहतान लगा और मुनाफिकीन ने बहतान लगाने में पेश पेश थे, कुरान मजीद ने कहा क्यों नहीं सुनते ही तुमने कह दिया, तुम में से कुछ लोगों ने हाजा इफ्तुम मुबीन अजीम, हाजा बहतान अजीम,
ये तो बहुत बड़ा बहतान है, नबी के घर में ये काम हो ही नहीं सकता, आयशा तो इतनी पाक है, इतनी पाक है। अल्लाह ने फरमाया कि ये तो पता है, गवाही तुम्हें सुनने की बात सुनते ही तुमने शक किया कि हूं। नबी का घर इस कदर पाक होता है कि वहां गुनाह का गुजर नहीं इस किस्म का कि उनकी बीवी को जानियां शुमार की जाती। ये तुमने क्या किया, किस तरीके से तुमने सोच लिया, यानी आदमी नबी की पाकीजगी और मासूमियत और उसके घर वालों की सफाई इस कदर है कि अल्लाह ने भी कुरान में कह दिया कि सुनते ही कुछ लोगों ने ये क्यों ना कह दिया। तो आदमी ये देख करके लोग आपके मामूलात से ये कहें कि ये आदमी वो है जो अपनी नमाज को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ता है, ये अपने अखलाक को किसी सूरत में भी नहीं छोड़ता, उसका दामन मजबूत करता है, उसके दामन अगर आदमी से बिला शुबा कभी कभार कुछ हो गया तो वो एक आदमी की बशरी तकाजा है, लेकिन उसकी आदत एकदम बदल नहीं सकती इस तरह से कि वो एक तो 30 दिन बकायदा नमाजें पढ़ता रहे और एकदम से वो पूरे के पूरे दिन में गफलत उसमें गुजार दिया है। ये मसला है जो इस वक्त पूरी दुनिया, और याद रखिए ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदमी को दिया है कि आदमी के ऊपर ये उसको पूरा इख्तियार होता है उस आदमी को कि वो अपनी आदत को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। जानवर अपनी आदत को बदल नहीं सकता है, सूरज अपनी रोशनी बंद नहीं कर सकता है, रात का रात अपने अंदर से अंधेरों को ही निकालेगी, कभी रोशनी को नहीं निकालेगी, फूल अपनी आदत को नहीं बदल सकता है। आदमी को फकत इख्तियार दिया है कि तू वहदैन हम नजदैन, हम तुझे दो रास्ते दिखाने की कोशिश करते हैं कि तू किस की तरफ जाता है, दाएं की तरफ जाता है या बाएं की तरफ जाता है। इख्तियार की ताकत इसको दी है और उसको पसंद किया गया जो इख्तियार की ताकत रखने के बाद अपने अमल पर मुदावमत कर ले, इस्तकामत करके दिखाए, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत के साथ उसका जिक्र किया कि आमन्ना सुम्मा इस्तकामू, फिर ईमान लाए, फिर उसके ऊपर डट गए, हालात कुछ भी हो गए। वो ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बिलाल बैत करे और पत्थर जब सीने पर आ जाए तो वो अहद कहना छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसके सीने पे पत्थर ज्यादा पड़ा तो फिर अहद निकला, जब रेगिस्तानों में ले जाया गया फिर और अहद निकला, जब उसको बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ले जाकर के इस कदर के कई दिन उसको पानी ना निकला, जब वो मैया जाता है तब भी वो यही कहता है अहद अहद अहद, उसकी आवाजों को कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर वो इस्तकामत दिखाता है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं बिलाल वो कौन सा अमल है कि जब मैं जन्नत की जानिब गया तो जन्नत में दाखिल हुआ, मेराज की रात में मैं सुनता हूं कि तू उस वक्त तेरे पांव की चाप की आवाज मुझसे आगे आगे चली जा रही है, वो कौन सा अमल है तेरा। बिलाल हबशी हैं इकबाल, ये किसका फैज़े आम है, सिकंदर तमाम रूमी तमाम हुआ और हबशी को दवाम है, वो फना हो गया, उसे कहा ये किसके इश्क आम का दवाम है, किसको दवामियत मिल गई, जिसने अपने अमल में दवामियत पैदा की उसको दवामियत मिल गई, दाएं नियत मिल गई, जिसने नहीं पैदा की उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये वसफ है कि आदमी अपने अंदर ये बात समझ ले कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी को किस तरीके से चलाने की कोशिश करना है। इसलिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ने से पूछा गया, ए हमारी बीबी हमको ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था अमल, सुन्नत किस शय को कहते हैं। सुन्नत वो शय है कि नबी ने तर्क नहीं की जब तक के नबी को कोई बहुत बड़ी वजह नहीं बन गई, कोई वजह नहीं बन गई बहुत बड़ी तो नबी को तर्क करना पड़ी, बहुत बहुत बड़ा मसला हुआ नबी अलैहिस्सलाम ने तर्क कर दी, वरना सुन्नत की राह तो वही है कि आदमी उसके ऊपर चलता चला जाए। फर्ज नहीं कह रहा हूं, नबी का सुन्नत उसके मुस्तहब अमाल, फर्ज की बात, यहां तो फर्जों का तिया पांचा किया जाता है, यहां तो फर्जों का कीमा किया जाता है, यहां तो फर्ज अपनी जगह से हिल जाते हैं। नबी की सुन्नत मुस्तहब अमाल के जिनको कर लिया जाए तो सवाब ही सवाब, ना किया जाए तो खुदा के यहां पूछ नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत है कि उनकी सुन्नत बदलती नहीं है, वो अपनी सुन्नत को बामरे कोई बड़ा माने आ जाए तो नबी अलैहिस्सलाम बदलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमाल में इंतहाई पुख्ता थे, इंतहाई मुस्तहकम थे। एक आदमी नबी बीबी आयशा सिद्दीका के पास आया, उसने कहा अम्मा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कैसे हुआ करते थे। माँ ने कहा लिकाना अमलहु दमीमा, अल्लाह के नबी के अमल तो एक बेटा बादल की झड़ी होते थे बरसात की, बस चल पड़ी तो चल पड़ी, फिर रुकती नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झड़ी लगती है ना, तो उसने कहा यह तो एक झड़ी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बेटा हजूर ये नहीं कभी किया कभी नहीं किया। एक दफा एक वफद आ गया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुफ्तगू जोहर की नमाज के बाद हुई,
दीनी मसाइल बढ़ते चले गए, अशकाल हल हो रहे हैं, सवाल पैगंबर उसका जवाब दे रहे हैं, लोगों को शरे सदर कर रहे हैं, कुरान उतार रहे हैं, अदाब सिखा रहे हैं, हिकमतें बयान हो रही हैं, असरार और रमूज़े दीन उनके सामने खोल खोल कर बयान किए गए, यहां तक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन बताते बताते आपकी असर हो गई। बिलाल असर की अजान दे देते हैं, असर की अजान के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असर की अजान के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम उनकी अजान, जब तक जमात ही खड़ी हुजूर दीन बता रहे हैं, यहां चंद लम्हे बढ़ जाएं घड़ी की सुइयां देखना शुरू कर देते हैं, घर से टाइम देखकर बताते हैं कि 12:20 पर हम पहुंच जाएंगे। आइए, दीन इस तरह नहीं फैला, दीन बड़ी मुश्किलों से फैला। सहाबा ने सबसे पहले वक्त निकाल के रसूल को दिया है, सबसे पहली चीज सहाबा इकराम, अगर आप इनकलाब चाहते हैं तो पहले दुनिया के कामों से मुंह मोड़ लीजिए और उतना खाइए जितने की जरूरत है। मैं वो आयत पढ़कर आपको वो दुआ बताऊंगा कि जब आप दंग रह जाएंगे, कि ये भी नबी के यहां होता था, दंग रह जाएंगे, नबी की कुव्वत कितनी नबी मांगते थे अपने लिए, वो सुनिएगा। तो फिर आप देखिए कि सबसे पहले वक्त दो, अपनी औलाद को लाओ, फिक्र करो, दुनिया का रिजक और दुनिया के कामों में उतना उलझो कि जितनी की तुम्हें जरूरत बन गई, जिसको पेंडिंग कर सकते हो छोड़ सकते हो उसको छोड़ दो। ये औलाद, ये रिश्तेदार, ये माल, ये दौलत कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। कुरान करीम में आता है, माल ही व बनी ही व उम्मे ही व खी ही, अल्लाह ने कुरवा साहिब आती ही, अल्लाह ने नाम ले लेकर कहा तेरी बीवी, तेरा शौहर, तेरी माँ, तेरे बच्चे, तेरा बाप, तेरी बहनें और तेरे भाई, जिस दिन तुझको छोड़ जाएंगे, बंदा बंदे को छोड़कर भाग जाएगा, दोस्त यार छोड़ जाएंगे, अल्लाह ने फरमाया, जिनको हम वक्सा लेकर चलते हो। तो बीबी से उससे पूछा कि अम्मा हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, क्या कायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे। ये मेरे पास किताबुल रकाक बुखारी शरीफ है और उसका बाबुल कस्दी वल मुदावमती अलल अमल। और वो पूछते हैं काला साल तो आयशा मसरूक पूछते हैं, काला समय तो मसरूकन, ये सारी हदीस में सुनने के लफ्ज आए, सुनना, समय तो हमने सुना, खुद सुना, किसी ने आकर बताया नहीं हमको। तो कहा मसरूक कहते हैं कि कौन से अम्मा ये बताइए कि अलैहिस्सलाम की कौन सी अहब्बा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर को सबसे प्यारी इबादत कौन सी महबूब थी जिससे हजूर छोड़ते ही नहीं थे। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया प्यारे बेटे कौलत अद्दौइम, प्यारे बेटे आपका वो अमल जो हमेशा हजूर को रहता था कि ये होता ही रहे, होता ही रहे, होता ही रहे। हजूर के अंदर जो वसफ था वो किसी शय को हमेशा करते रहना ही था वो। और उन्होंने पूछा अम्मा फिर कुल तो फीन कान यकूम, कब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते थे, तहज्जुद का वो पूछ रहा है, तो कब उठते थे। उसने कहा तहज्जुद भी यही करते थे। सहाबी हैरान हुआ कि तहज्जुद छूटी ही नहीं सरकार की। अम्मा ने फरमाया कान यकूम सामे सारे, हाँ जब मुर्ग रात को आधी रात गुजर जाती अजान देता तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाते। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हताशा सीका कहती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नेक काम बहुत पसंद था, अल्लाह जी यदूम अलैही साहिबहु, जिसको आदमी हमेशा करता रहे। हजूर का कोई सहाबी आपके शागिर्द आपके पास आता तो आप उसको देख लेते कि ये नेक काम हमेशा करने वाला, ये नहीं कभी मस्जिद में आया चार रखते पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी कुरान सीख लिया कभी नहीं सीखा। हाँ हमें कह जाते हैं जी हम हेलो हम आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर फोन आता है चार घंटे के बाद हम नहीं आ रहे हैं। ये आलिमों से सीखने का तरीकाकार है। जो लोग आलिम को किसी तरह से उसे सीखने की अपना को टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं वो फिर किस लिए। छोड़ दें उस दीन का, एक फैसला करें कि फैसला कैसे करना है, मुझे एक दीन सीखना है या नहीं सीखना है। बीमारी की हालत में भी अल्लाह ने कहा इनफिरू फी सबीलिल्लाह, कुरान करीम में आता है जब अल्लाह की आवाज निकली कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलो, तो अहदीस में आता है सहाबा इकराम मजूर थे, हाथों से और पांव से तो यूं रिंगते हुए अपने घरों से बाहर निकले। अल्लाह तूने हुक्म दे दिया हम इनफिरू, हम निकलने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं। ये झूठ के कारोबार, ये झूठ के घरों के काम, ये पुरफरेब नफ्स के बहाने, ये आपके कल्ब के उठने वाले वसवसे, क्या ये आपको बचा ले जाएंगे। अल्लाह जब अपने पैगंबर के सहाबियों को बाहर निकाल कर दिखाएगा कि मजूर थे लेकिन मजूरों को अभी जंग से आ रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपना सर मुबारक से खुद उतारा, अभी उतार के रखा एक जंग से, जिब्रील अमीन आ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो देखिए मैंने अभी जिहाद का लिबास नहीं उतारा, आप उतार रहे हैं। अल्लाह आपको हुक्म देता है कि निकलिए फिरू,
फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्तों में निकली, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह दीजिए कि निकलो। सहाबा इकराम को कहा, अल्लाहु अकबर, वो नबी के मानने वाले थे, नबी के जानसार थे, नबी के आशिक थे, वो नबी को महबूब समझते थे, वो रसूल खुदा के अहकामात को हरफ आखिर समझते थे। उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने निकल कर अपने नबी को बता दिया कि अल्लाह के अहकामात को लंगड़े, लूले, बीमार, कटे हुए, जिस्मों पे उनके निशान लगे हुए, जख्मों से चूर चूर खून रिश्ता है, वो अल्लाह के दीन के लिए बाहर निकलते हैं। और हमारे अमाल देखिए कि हमारे अमाल में मुदावमत नहीं है, वहां दायमियत है कि आज जिहाद किया तो कल नहीं करना। बहुत लंबी बात कही है वहां की है, लेकिन यहाँ टाइम के हिसाब से हम अपना टाइम नबी को नहीं देते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन युनज्जी या अहद मिनकुम अमलहु, किसी आदमी को उसके अमलों के बदले सरकार ने फरमाया निजात नहीं मिलेगी। वो कहता है कि मैंने अल्लाह को हरा दिया काम कर करके, अब बातें कर करके बस अल्लाह मुझे निजात दे देगा, नहीं फरमाया सरकार ने, फरमाया किसी को नहीं। कालू, सहाबा इकराम में से सब ने अर्ज किया, एक ने नहीं किया, एकदम आवाज उठी मजमे की। यानी इससे समझ लीजिए कि बाज़ुकात नबी के पास बैठने वालों को भी दीन की वो तबीर समझ नहीं आ रही होती जो कि वो समझ लेते हैं अपनी तरफ से। दो चार दिन जुमे 10-8 खुतबे पढ़ने के बाद आप ये समझ लें कि मुझे सारा दीन आ गया। यहां दीन की वजाहत लम्हों लम्हों होती है, इतने वहां पे इश्कालात हैं कि आदमी को हर लम्हे बाद पूछना पड़ता है कि इसके बारे। कालू, सब ने कहा, अल्लाह के रसूल, वला अंत या रसूलल्लाह, आपको भी अमल के जरिए से निजात नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, पैगंबर को यह कहा, जब कहा ना आहादन, किसी को भी नहीं, तो वो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आप भी तो हमारी तरह के बशर हैं, आप भी तो इबादत करते हैं, लेकिन आपका मर्तबा बड़ा बुलंद है। इतने बुलंद मर्तबे के बाद, इतनी इबादत करने के बाद के पांव मुबारक में वर्म आ जाएं, क्या आप भी? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انا الا ان يدا غمدني الله برحمتين, फरमाया हां मुझको भी नहीं जब तक के अल्लाह मुझको अपनी रहमत से पूरी तरह ढांप ना ले, पूरी तरह ढांप ना ले। अल्लाह मुझे ढांप लेगा फिर, ये नहीं कि थोड़ी रहमत, गम्मत, गम्मत, गामदा यकमेदों से निकला है, कि ढांप ले इस तरह करके, पूरा का पूरा गोशे रहमत में ना ले ले उतनी देर तक। नबी कहता है मुझे भी बख्शिश का कोई अल्लाह का नहीं, मेरे अमाल के बदले में नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, सद्दीदू व कारिबू वगदू व रोहू व शयुम मिन दुलजती वल कसद अल कसदी तबलुगू, और सुनो मेरे भाइयों, सुनो, तुमको चाहिए कि दुरुस्ती के साथ अपने अमल करो, अपने अमलों के अंदर कोई टेढ़ मेढ़ नहीं होनी चाहिए, इबादत करो तो पूरी मजबूती के साथ, खुश दिली के साथ, कुशादगी कलब के साथ इबादत करो। कोई बोझ नहीं करना कि मुझ पर एक लाद दिया गया है और अब मैं गधे की तरह का बोझ उठाकर चलना ही है। फरमाया नहीं करो, और फिर फरमाया वकारिबू, और उसके अंदर म्याना रवि इख्तियार करो। पैगंबर ने फरमाया ये नहीं कि आज 70 नमाजें शुरू कर ली हैं, 70 नफल पढ़े हैं, फिर सुबह को एक नफल छोड़ो, फर्ज भी जाते रहे। फरमाया नहीं, एतदाल में रहो सुबह, और फरमाया सुबह और शाम और उसी तरह को रात को चल लिया करो। मिसाल दी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसे मुसाफिर घर से निकलता है तो कुछ सफर वो सुबह कर लेता है, कुछ सफर फिर वो शाम बैठ गया, फिर शाम को कुछ सफर कर लेता है, फिर कुछ देर सो गया, फिर रात को सफर कर लेता है। अपने काम को नबी ने फरमाया 24 घंटे वो जारी रखता है। सुबह विर्द करने के लिए बैठा तो क्या हुआ, अशराक की नमाज पढ़ के उठा, फिर शाम को पता ही कोई नहीं भी कहा कि विर्द पढ़ने, शाम की इबादत कहां चली गई, कौन पढ़ता है? सुबह के विर्द सब पढ़ लेते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के अमसा और असबाह दोनों के आए हैं, सुबह और शाम को भी पैगंबर बैठ के नमाज मगरिब के बाद बहुत लंबे विर्द किया करते थे, बहुत लंबे विर्द होते थे नबी के। हमने सुबह को कर लिए, नमाज मगरिब के बाद गुम हैं, हाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुम्मत के क्या हाल हूं बयां, हाँ के दिन सुबह गुजरती है जाम के साथ और रात गुजरती दिल आराम के साथ, आकबत की खबर खुदा जाने, अब तो गुजरती है आराम के साथ। ये कौन सी क्यामत आ गई कि इनका नबी फजर के बाद भी बैठा अल्लाह को याद करता है और मगरिब के बाद भी बैठा है। हमारे काम खत्म नहीं होते हैं, सड़कों पे भाग दौड़ है, लाइटें जला दो शाम हो गई ताकि ग्राहक और आ जाएं, मैं कमाता रहूं हत्ता कि ईद के रोज भी देखा मैंने, ईद के दूसरे दिन हमारे ही रोड पर एक आदमी ने दुकान खोली हुई,
कहते जी मुझे कहने लगे टेंशन होगी, मैंने कहा टेंशन होती तो खुदा के घर को आबाद करता, यहां लेने के लिए क्या आया है। घर के अंदर दिल नहीं लगता था तो खुदा के घर के अंदर जाके दिल को लगाता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्श के साये के तले उस आदमी को क्यामत के दिन जब कोई साया ना होगा उसको जगह मिलेगी, जिसका दिल मस्जिद के अंदर अटका रहा कि अभी फुर्सत हो तो जाके मस्जिद में अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाऊं, दरबार इलाही के सामने झुक जाऊं, मालिक मेरा इंतजार करता है कि कब बंदा अपने दुनियावी कामों से फारिग हो करके मेरी तरफ आ जाए, ये मालिक बयान करता है। फुर्सत के लम्हात सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, अय्याशियों के लिए नहीं है। टाइम पास नहीं किया जा सकता दोस्तों, बुजुर्गों अजीजों, टाइम को किल नहीं किया जा सकता, टाइम को सिर्फ किया जा सकता है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। शरीयत इस्लामिया में एंटरटेनमेंट किसी शय का नाम नहीं, किसी शय का नाम नहीं जो चीज तुमको गफलत में डाल दे, चाहे वो तुम्हारे अपने घर की औलाद से लेकर के तुम्हारे कारोबार तक चली जाए, या फेसबुक पर लगे यूट्यूब पे धड़ाधड़ ये देख लूं क्लिप तो फिर खत्म करूंगा, ये देखूंगा तो क्लिप खत्म करूंगा, और हर दो मिनट के बाद उठा करके तुम अपने मोबाइल में स्टेटस चेक करते हो। ये फुर्सत के लम्हात है जो तुम खुदा को नहीं देते, शैतान को देते और जाया करते हो। जो लोग यहां टाइम को वेस्ट करके जाएंगे अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम हमारे उस वक्त में क्या करते रहे थे जबकि तुम हमें याद कर सकते थे, खुदा तो तुम्हारे इंतजार में था। रसूलुल्लाह ने फरमाया वरूहु व शय मिन दुलजा, इत्तदाल के साथ चलते रहो, फिर मैं वल कसदल कसदा तबलुगु हत्ता के तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और फरमाया कि आदमी को यह चाहिए कि वो सुबह शाम अपने रब की इबादत में लगा रहे। और यहां पर यह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा। मौलाना वहीदुज़्ज़मा ये अहले हदीस हैं, अल्लाह के वलियों को भी मानते हैं, ये बात बन चुकी कि अहले हदीस अपने अल्लाह के वलियों को नहीं मानते, जितना ये मानते हैं तुम भी नहीं मानते, जैसा हम मानते वैसा तुम नहीं मान सकते, तुम्हारी अप्रोच ही नहीं वहां तक। हम वलिये खुदा को समझते हैं कि वो अपनी जात को खुदा की जात के सामने ले जाकर फना कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को मिटा देता है, जो उसकी जायद ख्वाहिशात होती हैं वो अपनी जरूरियात पर तो चलता है लेकिन अय्याशियों और आरामदेह जिंदगी की तरफ इतना नहीं बढ़ता है जैसे हम बढ़े जाते हैं। हम उनका नाम हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि या हजरत ख्वाब में आए वो लताइफ वो जराइफ वो इश्किया बातें वो नातें वो जुमले वो शेर वो लंबी चौड़ी काम वो सुबह शाम ये पढ़ना पढ़ाना क्या हुआ। फरमाया कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया, वो तहज्जुद की कुछ रखतें थी जो अल्लाह की बारगाह में काम आ गई, काम आ गई अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की रखतें। उस वक्त उन्होंने कहा वो रोया, अल्लाह ने कहा दो रखतें पढ़ के तुझ उस वक्त रोया था ना, छोड़ ये इबादतें तो रिया थी, ये तो दिखावे थे, ये तो नमूद थी, ये तो नमाइश था, ये तो वो तहज्जुद कि तू तने तन्हा था, बीवी गफलत की नींद सो रही है, बेटा मौज की नींद सो रहा है, घर में हू का आलिम है, अंधेरा है, खामोशी है, दुनिया सो चुकी, गुनाह करने वाले भी गुनाहों से तंग आके गुनाह करके सो गए। ऐसे में बंदा बावजू होकर के मालिक के दरबार में खड़ा होकर कहा अल्लाहुम्मग़फिरली, ओ मेरे अल्लाह बंदे पे तू रहम ना करे तो कोई रहम ना करेगा, और वरहमनी अगर तूने रहम ना किया तो कोई रहम नहीं करेगा, वाफ़ अन्ना तू जब तक के मुझे अपनी माफी का परवाना नहीं देगा उतनी देर तक कोई परवाना ना देगा। अल्लाह बीवी सो रही है, बेटा मौज में लेटा हुआ है, अल्लाह कमरे में अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा है, ये रिया की इबादत नहीं करता तुझको मनाने की इबादत करता हूं, तू मान जा मेरे रब, तू मुझसे खुश हो जा, तू मेरे गुनाहों को ढांप ले, मेरे जाहर बातन के गुनाहों को ढांप ले, मेरे रब मैं तेरे आगे फरियाद करता हूं। फरमाया वो दो रखतें जो मैंने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तन्हाई में पड़ी थी, फरमाया मुझे वो काम आ गई हैं, वो काम आ गई। और यहां पे मौलाना लिखते हैं मौलाना वहीदुज़्ज़मा के अहले हदीस को लाजिम है, सुनो ये वाकया लिखने के बाद मौलाना वहीदुज़्ज़मा 100 साल फख्र करो, कोई फिरका ऐसा और नहीं है जो अहले सुन्नत के अलावा जिसमें सबसे पहले हिंदुस्तान में किसी ने को तफीक नहीं हुई कि सहासिता के तर्जमे कर दे, ये इसी अहले हदीस मौलाना वहीदुज़्ज़मा रहमतुल्लाह ताला को तफीक हुई कि 125 साल पहले नवाब सदीक हसन भोपाल नवाब बने भोपाल के, जब दौलत आई उस वक्त का नवाब फौत हो गया भोपाल का, तो उनकी अहलिया ने इनकी नेकी को देखते हुए इनसे शादी कर ली, तो ये अल्लाह की तरफ से अचानक भोपाल बीवी का पैसा, नवाब बन गए बीवी की तरफ से, सारी दुनिया से किताबें इकट्ठी करके जो नहीं मिलती थी छपवाई, छपवाने के बाद अपने पैसों पे जिल्दें करवा के उलमा के घर में पहुंचाई, उसके बाद इन किताबों के तर्जमे कराए, सिया बुखारी और मुस्लिम और सुन्नी अबी दाऊद नसाई आज तक उन्हीं के छपते हैं, अब लोगों ने शुरू किए हैं,
क्योंकि लोग उनसे इख्तलाफ करने लगे, उनसे ज्यादा वहाबी बनने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने उस वक्त छापी और वो सब चीजें मौलाना इसहाक की तरह पड़े हुए थे, शियत भी, सुन्नियत भी, देवबंदियत भी, अहले हदीस, सब देवबंदियों से अहले हदीस, और मेहनत की और किताबें लिख दी, ये वो अहले हदीस है। कहते अहले हदीस को लाजिम है, अहले हदीस को लाजिम है कि रात के आखिरी हिस्से में बेदार होकर जिस कदर हो सके नमाज और तलावत कुरान में मसरूफ रहा करें। और फिर फरमाया कि रात को थोड़ी बहुत इबादत सब ने की है, जो दरवेश, दरवेश बोला, जो दरवेश शब बेदारी नहीं करता, सारी रात पड़ा सोता रहता है, वो दरवेश नहीं है, वो दरवेश नहीं है। खत्म हो गए हमारे अंदर से दरवेश, बड़ी बड़ी बातें गुस्ताख दरवेश पैदा हो गए हैं, आज जो इंतजारी जाती रही सब खत्म, बर्बाद हो गया, इबादतों पे मान हो गया, हुलिए गेटअप बना लिए, लेकिन अंदर का शैतान मरा नहीं, वो पूरी कुव्वत के साथ मौजूद होता है, जो इसका ईमान बनने का उसी वक्त खत्म करके रख देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हताशा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे आदमी का अच्छा अमल यह है, क्या अल्लाह को कौन सा अमल पसंद? फरमाया ये अमल पसंद है कि हमेशा करे। फिर उसके साथ फरमाया इन कल्ला, अगला मरहला सुनो जिस मुकाम पर तुमको लेकर आना चाहता हूं, जो तुम्हारी खुशखबरी का बायस हो जाएगा। पहला था मुश्किल, अगली उसके अंदर आई खुशखबरी जो तुमको देना चाहता हूं। सरकार ने फरमाया तसलसल के साथ हो, और लेकिन आगे कंडीशन जब लगाई, मैं कहूं हुजूर पुर नूरे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी या रसूलल्लाह, आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं। लोग पूछते हैं रहमतुल्लिल आलमीन क्या, ये है रहमतुल्लिल आलमीन। नबी अगर इंसान के कल्ब के ऊपर मरहम ना रखे और इंसान की जरूरियात जिंदगी को ना देखे और उस पर मुशक्कत और बोझ डालता चले, वो नबी नहीं है। अल्लाह से ये दुआ की गई कि अल्लाह तूने वो नबी हमारे दरमियान भेजा जिसने आकर हमारे बोझ हटा दिए बोझ। पैगंबर ने क्या फरमाया, इन कल्ला, चाहे मुख्तसर अमल ही क्यों ना हो, कलील अमल ही क्यों ना हो, लेकिन करता चला जाए, छोड़े ना छोड़े। ये नहीं कहा कि 12 रखते ही पड़े तहज्जुद के वक्त में, फरमाया नहीं, रमजान में 12 पढ़ता रहा, लेकिन बाद में अगर 2 रखते हैं वो पढ़ता रहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बस लिख ली। अल्लाह ने कहा उठा तो है ये बंदा, गाफिलों में तो शुमार नहीं किया जाएगा। 2 रखते हैं पढ़ ली, कुरान डेली पढ़ता था, वो पढ़ता रहा। अगर पहले 1000 आयतें रमजान में पढ़ी तो इसमें उसने 100 पढ़ ली या 50 पढ़ ली या 25 पढ़ ली। अगर सारे दिन में 10,000 दफा कलमा पढ़ता तो पूरे दिन में 100 दफा कलमा शरीफ पढ़ लिया। अगर उसने अल्लाह की इबादत, अगर वो पूरे रमजान तस्बीह की नमाज पढ़ता रहा है तो फिर उस महीने में 1 दफा पढ़ लिया करे। अगर वो कुरान मजीद के साथ बिल्कुल रात को खड़ा होकर क्याम करता है तो उसकी चंद सूरतें पढ़कर छोटा क्याम कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेक काम करने में उतनी तकलीफ उठाओ जितनी तुम्हारे अंदर ताकत हो, मा तुतीकूना, लेकिन छोड़ना नहीं। फरमाया कम कर लो। अगर आपने 10,000 रुपया सदका किया है रमजान मुबारक में तो 10 रुपए का सदका डेली मामूल बना ले, डेली का मामूल 10 रुपए बना ले, छोड़ना नहीं, अमल को छोड़ना नहीं। वो कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आ गया एक आदमी, फरमाया उम्मुल मोमिनीन ये बताइए क्या है, लकाना अमलहु दीमतन व अय्युकुम यस्ततीउ मकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ततीउ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनका बेटा रसूल पाक झड़ी थे, जब कोई नेक अमल करते तो जैसे सावन भादों की झड़ी लग जाती है और वो बरसने से रुकती नहीं। सरकार भी नमाज में मशगूल तो उम्र भर नमाज में मशगूल रहे, अगर इस्तगफार किया तो इस्तगफार में मशगूल रहे। हदीस में आता है कि एक मजलिस में अभी बैठे कुछ देर के लिए, सहाबी बैठे 10 मिनट के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम से दीन पूछना शुरू किया, सवाल कर रहा है तो रसूल पढ़ रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। साहबा कहते गिना गया, या तो रसूल पाक ने 60 दफा कहा अस्तगफिरुल्लाह या आपने 70 दफा कहा। 4-5 मिनट की मजलिस में रसूल इतनी दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया करते थे, नबी ने छोड़ा नहीं अस्तगफार किसी सूरत में। और फरमाया बेटा तुम में से कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मां ने कहा मेरा शौहर था जो अल्लाह की इबादत में इस कदर गर्क हुआ, तो कौन है तुम में से ऐसी इस्तात रखने वाला मेरे सरताज के मुकाबले में, कौन है जो उम्मती ऐसे नबी के पीछे चले। तुम तो 2 दिन की इबादत करते हो और उसके बाद तुम अपने आप को गायब समझते हो। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा से पूछा, अम्मा सरकार तहज्जुद क्या पढ़ा करते थे, लौतरावी का हल भी हुआ और बाद का हल भी हुआ। अम्मा फरमाती प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे आप,
उन्होंने फरमाया वो बेटा रमजान ओ गैरे रमजान, रमजान नहीं केला कहा मुसलमानों, ओ गैरे रमजान, उस रमजान के अंदर भी जब रमजान नहीं होता था तो 11 महीनों में भी सरकार तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, उस वक्त भी 11 रखते पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है उम्मत के लिए कि उम्मत रमजान और गैर रमजान में फर्क करके बर्बाद हो जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां रमजान और गैर रमजान का कोई भी तसव्वुर नहीं पाया जाता है, कोई तसव्वुर नेकी का पाया जाता। हां रमजान के अंदर फिर पूछे कि इसकी इसके इसके बारे में बताइए इसकी फजीलत और खूबी क्या हुई, तो ये समझ लो कि अगर नबी अलैहिस्सलाम आम दिनों के अंदर सदका करते तो हदीस में ही आता है कि सरकार ने, बीबी आयशा कहती हैं कि रमजान में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका करने में तेज आंधी हो जाया करते थे, तेज आंधी हो जाया करते थे, तूफान आया जड़ें उखाड़ दी दरख्तों की, नबी की नबी का उस वक्त सखीपन इस कदर बढ़ जाता था कि इफ्लास वाले की मुफलसी बाकी नहीं रहती थी, इतना नबी दिया करते थे उसको रमजान में, जड़ें उखड़ जाती हैं। तो पैगंबर ने मुफलसी वाले की जड़ उखाड़ करके वहां आप सलाम ने उसको इतना इस कदर शेर कर देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के, वो खुद देने वाला बन जाता है अगले रमजान तक। ये थी नबी रमजान में आप जल्दी उठाते, और हदीस में आता है कि आखिरी अशरे में तो बेदार उठो 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 मेरे घर वालों उठो, इन हुजरे वालियों को कोई उठाए, ये सख्त कलमे हैं नबी सलाम के, उठाए इन हुजरे वालियों को, अपनी बीवियों को सुना करके कहते साथ साथ हुजरे बने थे सरकार के, तो नबी ऐसा तो बावाजे बोला इनको उठाए, इनको कहो कि फितने उतर रहे हैं मेरी आंखें कुछ और देखती हैं, इनको कहो कि खजाने लुट रहे हैं कि मेरी आंखें कुछ और देखती हैं। ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि रमजान और गैर रमजान में कोई आप इबादत के दौरान कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन रमजान में इबादतें दो चंद नहीं, सह चंद नहीं, दह चंद नहीं, सौ चंद हो जाया करती थी, सौ सौ गुना बढ़ जाती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन फी लैल लसाअतन ला युवाफिकुहा रजुल मुस्लिम युसालुल्लाहु फीहा खैरन मिन अमरिद दुनिया वल आखिरा इल्ला अताहु इय्याहु वज़ालिका कुल्लु लैला। हर रात में एक घड़ी आती है, घड़ी से मुराद आज मुझसे समझ ले आप, लोग समझते हैं कि अभी एक लम्हे के लिए वक्त आया और चला गया, सातन आठ सातें हैं पूरे दिन और रात के अंदर, तीन घंटे की एक घड़ी होती है, तीन घंटे हर रात के अंदर ऐसे आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा कोई भी शय दुनिया और आखिरत की जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है, लम्हों की बात नहीं की अल्लाह ने, अल्लाह ने कहा उठते उठते एक घंटा लग जाना है, इसको रात का दिन का काम करके थका हुआ है ये बेचारा, उठते उठते घंटा लग जाएगा, फ्रेश होना है, नहाना है, कपड़े बदलने हैं, कुछ आंखें मलनी है, कुछ इधर करवट ली, कुछ उधर करवट ली, कोई नफ्स की मिंत की, कोई हाथ जोड़े उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, कोई अल्लाह की बारगाह में, फरमाया दिन भर का थका हुआ है। ये दिन भर की थकी हुई औरत है, सारा दिन शौहर का काम करती रही, बच्चे संभालती रही, बस हो गई है, अब उठे भी तो कैसे उठे, मैं क्यों एक साथ, ये अल्लाह की रहमत ना होती अगर एक लम्हा देता या एक मिनट देता, ये रहमत नहीं है, ये रहमत नहीं, ये बंदों पे वो रहमत नहीं जो रहमत होनी चाहिए। तीन घंटे अल्लाह रब्बुल इज्जत मुंतजर है कि बंदा कब हमारी बारगाह के अंदर आ, तीन घंटे अल्लाह ताला कहता है कि ये तो वो है कि हम देख ही रहेंगे इसको, कुछ कहा कि हम पेंडिंग करेंगे, ये इसमें मांगे तो सही, इसकी दीन और दुनिया के लिए होगा। तीन घंटे जो मतवातर नबी अलैहिस्सलाम तीन घंटों में तीन दफा सोते उठते और तीन दफा आप अलैहिस्सलाम को, ये हर कुल्लो लैला यानी रमजान के अलावा भी रात आई, मैंने इसलिए पढ़ा लफ्ज कुल इसलिए लेकर आया हूं, ये आयत पहले रमजान में भी तुमको सुनाई, मैंने कहा मता कोई आदमी ये धोखा खा जाए मुबादा मेरे सामने आकर के रमजान में ये रात आती है उसके बाद ये रात आती नहीं है, और मैं कुल्लो लैला हर रात वो मुहर्रम की हो, वो दसवीं की हो, वो ईद की हो, गैर ईद की हो, वो जिलहजा जाए, वो आपके ऊपर घड़ी क्यामत की घड़ी हो, माँ के मरने की घड़ी हो, बाप के मरने की घड़ी हो, आपकी शादी की रात हो, आपके यहाँ खुशियां मनाई जा रही हो, तीन घंटे में सोचे जो आदमी उस वक्त जना करता होगा वो तीन घंटे रहमत मुंतजर है, वो तीन घंटे जना कर रहा है, सोचे वो आदमी जो उस वक्त अपनी फेसबुक के अंदर मशगूल है तो तीन घंटे अल्लाह फेसबुक की उसकी देख रहा है और उसके बारे में गौर कर रहा है कि यहाँ तो हम तेरे मुंतजर है, वहां तेरी कहीं और जगह पे आंखें हैं। तीन घंटे सोचे तो सही, वो लहवो लाभ की रातें सोचे, वो लहवो लाभ के अंदर गिरी हुई रातें सोचे, वो अपने आप को गफलत में देखे खुदा से मुंह मोड़ करके कि तीन घंटे वो इंतजार करता है, सातन आठ सात दिन रात में आती हैं,
वो घड़ी में इंतजार करता है कि बंदा कब मुझसे मांगे। फरमाया कुल, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा अहब्बुस्सलाती इलल्लाहि सलात दाऊद, अल्लाह को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज और उसका रोजा बहुत प्यारा और महबूब है। फरमाया अल्लाह के रसूल अहब्बुस्सयाम दाऊद कान यनामु, फिर खुद ही फरमाया सरकार ने यनामु निसफ लैल व यकूमु सुदुसहु व यनामु सुलुसहु व यसूमु यौमन व यफ्तर यौमा, अल्लाहु के मुत्तफिकुन अलैह का क्या कर देते, रात आप निसफ शब सोते, आधी रात सोते और फिर निसफ रात, फिर उसका रात का तीसरा हिस्सा अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते और खड़े होकर अल्लाह की इबादत करके फिर क्या करते, फिर सो जाते, फिर फजर के लिए उठा करते थे। ये नहीं किसी के साथ फजर गुजारनी है, मैंने देखा है कि जो आदमी तहज्जुद गुजार होता है वो उसकी कोशिश होती है कि फजर पढ़ के ही सोऊं, ये जड़ उखाड़ ही दूं एक दफा ना, जो उखाड़ दी मैंने इसका तो किया पांचा करूं ना, अभी उसके बाद इतनी मोटी आंखें सूज जाती हैं तहज्जुद गुजारों की, क्यों बाद में सोना नहीं। फरमाया ऐसा सोए कि उसके बाद फिर उसको उठे और उठ के बाद फिर सोने का इतना टाइम मिल जाए कि बाद में उसको वो इशराक के वक्त तक बैठ सके, वरना इशराक के वक्त तक बैठा नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। बताइए ना वो, हम वो उस तरीके से चलते ही कुछ नहीं। तो फरमाया फिर उसके बाद एक दिन का रोजा रखते और अगले दिन फिर नहीं रखते, फिर रोजा रखते फिर नहीं रखते, यानी 6 महीने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा होता और 6 महीने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा ना होता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत दाऊद वाला कोई नौजवान अगर कर सके अपना एक साल तो एक नौजवान को हर एक को करना चाहिए ना कि एक दिन रोजा, एक दिन इस तरह इसी तरह तहज्जुद पढ़े, बड़ी फुर्सत होती जवानी के अंदर, बड़ी फुर्सत होती, कर ले। बुड्ढों को भी करना चाहिए, जो बुड्ढे फारिग हो गए उन बुड्ढों को तमाशबीनियों के अंदर वक्त नहीं गुजारना चाहिए, केबल पर सारा दिन खबरों के बहाने देखते हैं एंकर पर्सन को, आंखें ठंडी हो रही हैं, कोई नहीं वहां, इधर आंखें ठंडी हो रही हैं, वहां जहन्नुम का अलाव दहक रहा है, तेरी आंखें ठंडी हो रही हैं, वहां आग बढ़क रही है, कर ले ये आंखें सेकनी, इधर सेक उधर तुझे सेका जाएगा। अल्लाह ने फरमाया हम इस तरह कर देंगे जैसे जली हुई सिरी होती है, ये जली हुई सिरी होती है, फरमाया इस तरह तेरा चेहरा कर देंगे, देख ले अब कितना देखते हैं, इन्हीं आंखों के सामने हम तेरी आंखों को कहेंगे कि बोल तो इसको क्या करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा रमजान सुम्मत बाहु सित्तन मिन शवाले काना का सयाम दहर, उस आदमी ने जिसने रोजे रखे और उसके बाद 6 रोजे शवाल के रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना साहब के फौत होने से सिर्फ 2 दिन पहले जब मिला मैं उनसे तो आखिरी रोजा शवाल का रखा हुआ था, मैंने कहा आप भी बोतल पी लें, कहने लगे नहीं मैंने सोचा जिंदगी में पता नहीं कब मर जाना है, क्यों ना अपना ये रोजा पूरा कर लूं। 2 दिन के बाद बीमारी गए, दुनिया से फौत हो गए, चले गए, वो मुझे उसके बाद भूला नहीं कि ये इसी तरह फरमाया शवाल के रोजे रखे, गोया उसने जमाने भर के, दहर लफ्ज बोला है, दहर साल भर के रोजे भी इसमें का तर्जमा किया, दहर जमाने भर के रोजे रख लिए उसने, फरमाया दहर का लफ्ज बोला प्यारे पैगंबर, यानी रोजा इबादत रमजान की फकत नहीं है, रोजा रमजान की फकत इबादत। आप रमजान के अंदर समझते हैं तलावत कुरान पाक रमजान का नहीं है, उसके बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक में आता है कि अगर तू इन बंदों को बख्श दे जब इस आयत पर पहुंचे तो तेरे बंदे हैं, अगर अजाब दे दे तो तेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। सुबह हो गई, बीबी आयशा कहती फजर होगी हजूर, यही पढ़ते 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 नबी अलैहिस्सलाम की सुबह, रमजान में नहीं, ये गैर रमजान की बात है, तहज्जुद भी गैर रमजान में तुमको बता दिया, नमाज भी बता दी, फिर उसके बाद तुमको बता दिया रोजे भी नबी अलैहिस्सलाम गैर रमजान में, कुरान भी गैर रमजान में, सदकात भी गैर रमजान में, जो रमजान में करता था वही रमजान के बाद भी कर दे, चाहे अन किल्ला उसमें कम कर ले, लेकिन छोड़े नहीं किसी सूरत में। वाकया वो मैंने पूरा करना था कि हजूर के सामने जिस वक्त वो आपको असर की नमाज हो गई तो आप अलैहिस्सलाम की फिर बाद की जोहर की 2 सुन्नतें रह गई, वो 2 सुन्नतें रह गई नबी अलैहिस्सलाम की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर आके वो 2 सुन्नतें पढ़ी उस दिन की, फिर उसके बाद ये मसला बन गया कि हजूर ने मना किया हुआ है असर की नमाज के बाद आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, ये मसला बना हुआ है, वो इसलिए मना किया कि जब आखिरी वक्त तक असर चली जाए तो वहां उसके बाद फिर क्या पढ़ना सूरज ग्रूब होने तक, वो तो मना है ग्रूब के टाइम के तक, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सारी जिंदगी असर की नमाज के बाद वो 2 सुन्नतें नहीं छोड़ी, 2 नहीं छोड़ी,
कि एक दफा कजा हो गई थी, वो दो कजा पढ़ते ही रहना है उसकी, जोहर के बाद भी पढ़ लेनी, लेकिन वो चूंकि शुरू कर ली थी उस दिन दो के बाद, असर के बाद, तो एक दो का कफारा उम्र भर सरकार पढ़ते रहे थे, पढ़ते रहे कि वो जो छूटी है ना दो, वो मेरा अमल ना खत्म हो जाए। बीबियों ने फिर बताया कि सरकार वो दो, लोगों ने कहा कि वो कौन से नफल पढ़ते थे, उन्होंने कहा वो जो दो रह गई थी ना सरकार ने, मैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक काम मैं नेकी का शुरू कर लूं फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ दूं, नहीं फिर उसको चलता ही रखूं। क्या होगा कि अगर मसला भी हल हो गया कि पढ़ी जा सकती है, अगर रह जाए जोहर से पहले की चार रखते हैं नफल, अगर वो आप गए जमात के साथ हो रही है तो उसके बाद फिर आप देखें टाइम है तो आप पढ़ लें। हनफियों के यहाँ टाइम नहीं बनता, लेकिन अहले हदीसों के बाद बहुत टाइम होता है, वो बाद में पढ़ ले। हनफी सोचता है कि फिर मैं क्या करूं, तो उसको यही मशवरा दिया जाता है कि वो अगले दिन की जोहर से पहले उसको पूरी कर ले अगर वो चाहता है। मैं अपना, क्योंकि जन्नत का एक महल कहा गया है कि उसके लिए अलग बनाया जा गया है, जो दिन और रात के अंदर आगे पीछे नमाजों के जो नवाफिल हैं 12 रखते पड़ेगा, उसके लिए अलग एक महल तैयार किया जाएगा जन्नत के अंदर। ये नबी की बात है। अब उसके बाद आखिरी बात करके आपको सुनाऊं और फिर ख़त्म हो जाऊं। मुसीबत यह है कि रात को दिल को घबराहट हो जाती है, दिल बैठता है, बहुत से लोग कहते हैं खौफ पैदा हो जाता है, बहुत से लोग अपने अमराज के बारे में मुझे कहते हैं कि ये अमराज मुझे पैदा होते हैं, जी नहीं चाहता नमाज पढ़ने को, ठीक है ना, बेचैनी और बेकरारी की कैफियत, तो नींद नहीं आती, इधर 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 इधर। ऐसे दोस्त मुझे मिले हैं 8 घंटे कहते बिस्तर पर लेटा रहा, नींद नहीं आई, और दायमी मर्ज हो गया उनको ये हमेशा के लिए, इलाज करवा रहे हैं, घबराहट, क्या करें ऐसे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तदरक अस्सहीहैन में ये आती कि रात के वक़्त इज़ तज़व्वरा मिन लैल, जब नबी अलैहिस्सलाम को रात में कभी घबराहट तारी हो जाती, कुछ परेशानी लाहक हो जाती, कोई कल्बी तौर पर बेचैन हो जाते, या कुछ अमूरे दुनिया सोचते ही, या बाज़ औक़ात आदमी अपने रिज़क की वजह से परेशान होता है कि मैं नमाज मैं क्या करूं, या रात को क्या ऐसा मसला बन गया कि बच्चियों की शादियां करनी, पैसा नहीं है, रिज़्क नहीं है, खाने को ये नहीं है, ये इस मुसीबत में दुश्मन ने मुकदमा कर दिया है, तो जब रसूल पाक को ये परेशानी होती तो क्या होता, कौला रसूलल्लाह क्या विर्द करते, ये विर्द अपना लें चैन आ जाएगा। बड़े बड़े बंदों को बताया, उन्होंने कहा इतना सा विर्द किया चैन आ गया, करार आ गया दिल को, और पहले ये सोचे कि ये वो विर्द है, इस विर्द से पहले एक छोटा मुराकबा करे, क्या मुराकबा करे कि जहन में ले आए कि सरकार मस्जिद नबी के साथ बने हुजरे के अंदर लेटे होते थे, हुजूर पुर नूर भी कभी कभी इस तरह घबराहट का शिकार हो जाते थे, घबराहट हो जाती थी आपको भी, तब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे, आज उम्मती भी उनकी तकलीद करते हुए ये पढ़ेगा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाहु अल वाहिदुल कहार, वही एक अकेला रब है, क्या है, अल वाहिद अकेला है, फिर फरमाया अल कहार, कहार का मतलब ये नहीं कि अजाब ही भेजी जाए, कहार का मतलब होता है कंट्रोलर, मेरे कल्ब के कैफियात पर इस वक्त जो हमला होगा शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से, ऐ मेरे रब उसको कंट्रोल कर ले, इसी वक्त पकड़ ले उसको, उसको अपनी गिरफ्त में ले ले, उसको काबू में ले, कहार रब्बुस समावाती वल अर्ज, जो पकड़ने वाला वो रब जो जमीन और आसमान को सारे को पकड़े हुए है, और कोई उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता, कोई उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता, इसको कैसे ये गम, और याद रखें हम समझते हैं ये कोई चीज है, गम परेशानी दुख भूख अफलास बीमारी कुछ भी है आदमी के पास, ये अल्लाह के लश्कर हैं, अल्लाह के लश्कर हैं, अल्लाह अपने फौजियों को भेजता है गमों को, कहता है कि इसको घेर लो, बड़ा अरसा हो गया ये हमको याद नहीं करता है, जाओ दो दो तीन तीन चार चार थप्पड़ लगा के इसको होश दिलाओ कि हम भी हैं, परेशानी को हुक्म दे देता है, मुसीबत को बढ़ इसकी तरफ, एक नहीं जिस तरह अल्लाह के लश्कर फरिश्ते हैं इधर, गम दुख परेशानियां मुसीबतें बीमारियां ये हैं अल्लाह की वो फौज जो गुरीला वार करती है और जिसके यहां सिर्फ एक काट के कोई शय नहीं है, उधर दूसरी फौज रखी हुई है, वो फौज है बरकत रहम फजल करम लुत्फ, वो दूसरी फौज है, पहली फौज को भेजता है बंदे को बेदार करने के लिए, जब बंदा बेदार हो जाता है तो दूसरी फौज को भेजता है कि इसको हटा करके इसको कुछ अनायत करने के लिए, पहली फौज बेदार करने के लिए, दूसरा उसको कुछ देने के लिए और अता करने के लिए फौज बनती है। तो फरमाया ए मेरे रब जो जमीन और आसमान की
फौजों को थाम कर रखा हुआ है। वमा बैनहुमा, ये जो बात तुमको समझाने वाला था, वमा बैनहुमा, जो इसके दरमियान में है, गम और दुख और परेशानियां, मेरे रब इस फौज को हटा दे, दूसरी को मेरी मदद के लिए भेज दे। दिल घबराया हुआ है इस वक्त, अगर दिल डोल गया और इसको कोई सहारा तूने ना दिया तो मेरे रब फिर कौन इस दिल को सहारा देगा। या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनक, ऐ दिलों को फेर देने वाले मेरे कल्ब को मजबूत करके दीन पे रख ले। दीन से मुराद क्या है? दीन से मुराद ये नहीं कि नमाज पे रख ले, दीन से मुराद है कि अपनी अतातों पर और अपनी सिफात पर, अपने अफाल पर, अपने कमाल पर, अपने नवाल पर और अपनी जात पर मेरे दिल को इस कदर पुख्ता यकीन पैदा कर दे कि मैं इसे हिल ना सकूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती मान, उनका उम्मती बनकर रहूं, उनको नबी मानूं, यौमे आखिरत पर मेरा पूरा पूरा ईमान हो रहे थे साहब की अदालत का पूरा यकीन है कामिल हासिल, इसको दीन कहते हैं, इसको कहते दीन, इस ये तशरीह है दीन का। मतलब ये नहीं कि नमाज रोजा कर लूं मैं सिर्फ, ये तो एक छोटा अप्रोच है आपकी, अप्रोच बड़ी उसकी यही है कि सब चीजें, कि आपका जमाल, आपका कमाल, आपका नवाल, आपका आपकी सिफात, आपके अफाल, हर शय पर मेरा दिल जम जाए कि जो आप हैं कोई भी नहीं हो सकता है, ये फरमाया। और फिर उसके बाद में फरमाया अल अजीजुल गफ्फार, आप जिस चीज को चाहे कंट्रोल करके उसको दबा के बिठा दें, चुप करा के इस टेंशन को भी बिठा दें, इस परेशानी और फ्रस्ट्रेशन, तनाव और स्ट्रेस को दबा दें। अल गफ्फार, मुझे पता है ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने किए हुए गुनाह उस गुनाहों की वजह से आई, तो आप अल गफ्फार मुझे माफ कर दीजिए। हुआ सेट के सारा कहने के सारे का सारा माहौल सेट हो गया। दुआ नबी ने अहवाल के मुताबिक अल्लाह के नामों को सेट किया है, तो ये इस दुआ की तस्वीर आप खींच लें। और इसको कोई आदमी, इनको मुहैयर होते हैं आपके अंदर बीसियों आदमी, खींच के ले जाके बाद में वहां पे फोटो कापी करवा के अगले जुमे लोगों को दे दिया करें। कब करेंगे ये काम? तस्वीरें खींच के गुजारे नहीं होते, कुछ बांटा करें ताकि आपका सदका जारिया। कितनी चीजें ऐसी हैं, हमारी वालदा मरहुमा होती थी, वो जो आता था उसको दुआएं पढ़ने को दे देती थी, जो मौलाना साहब देते थे दुआएं वो करवा करवा के फोटो से जैसी मिनवा उन्होंने लिखी वैसी नहीं जानी उन्होंने, 500-500 करवा लेनी हर दुआ का, उसका एक एक बना के 6-10-11 उन्होंने बनाए, हर से एक एक पेपर निकाला, निकाल के स्टैप लगा के उसको आते को तोहफा दे दिया, फिर अगला दुआएं ही दुआएं बांट दी, पता नहीं सदका जा रहा उनका, ऐसा हो गया दुआएं दुआएं। तो आप भी ये देखें तो दुआ सब सुन लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल वाहिदुल कहार रब्बु समावात वल अर्ज वमा बैनहुमा अल अजीजुल गफ्फार, कहार तक आधा आ गया, उसके साथ मिला के पर अल अजीजुल गफ्फार, पहले वाहिदुल कहार फिर आया अल अजीजुल गफ्फार, ठीक है। तो ये दुआ जो है ये मुस्तदरक अल सहीहैन में आया है, जिल्द इसकी 1 और सफा 540 है। हमें ये चाहिए कि हम रमजान को अब गंवाएं ना, जो रमजान हाथ आया है ये बड़ी मुश्किल से जोर लगा लगा के जुमे पढ़ाए पिछले और उसके अंदर दुआएं बताई, वो जाया ना करें। आपकी जो आदतें नेकियों की बन चुकी हैं वो आदतें बनाए रखें, आपकी बुराइयों से जो बचने की आदतें बन चुकी हैं वो अपनी आदतें और मजबूत कर लें, उस जानिब ना जाएं कि आज फेसबुक का फेक अकाउंट भी खोल लो, कुछ फिल्म भी थोड़ी सी देख लो, कुछ गाने भी थोड़े से सुन लो, कुछ गफलत भी थोड़ी सी कर लो, हैं मिले जो शराबों में शराबें तो नशा हैं बढ़ता है, ऐसे ना कुछ उल्टे सीधे काम करें कि अपना आप सारा तबाह हो जाए, रमजान भी हाथ से जाता रहे और गैरे रमजान तो फिर हो और बन जाएं आप रमजान के सिपाही, फिर नमाजी और वो बन जाएं मुहर्रम के सिपाही। अपने अपने अमाल पर हम गौर करें, ऐ हमारे रब हमको हमारे अमाल के अंदर इस्तकामत अता फरमा, दवाम अता फरमा, हमें अगरचे थोड़ा करे लेकिन हमेशा हमेशा करने की तौफीक अता फरमा, हमें हमारा रमजान गैर रमजान एक जैसा बना दे, हमारे रब हमें एक जैसा बना दे, जिन गुनाहों को छोड़ चुके मेरे रब उनको तर्क करने की तौफीक अता फरमा, जिन नेकियों को इख्तियार कर चुके भले कम हो जाएं लेकिन उससे कभी ना हमसे छुड़ा, हमको पूरी तरह इस्तकामत अता फरमा, मजबूत कल्ब अता फरमा, मजबूत ज़हन अता फरमा, मजबूत जिस्म अता फरमा, ऐसे सबाब अता फरमा कि हम फरागत और खुशहाली और टेंशन और मुसीबत से पाक हो करके ये पूरे का पूरा रमजान गुजारने के बाद गैर रमजान भी हम इसी तरह गुजारते चले जाएं। गमों से निजात अता फरमा, परेशानियों से निजात अता फरमा, असबाब रिजक नहीं तो असबाब रिजक अता फरमा, जिनके पास रिजक है उनको कुशादा रिजक अता फरमा। या इलाही जो दुख परेशानियां मुसीबत अलाम हजूम बीमारी भूख अफलास जहालत जो कुछ है
अल्लाह सब से हमको निजात अता फरमा, और हमको इसके बदले में जो दूसरा लश्कर है फजल करम रहमत बरकत लुत्फ मेहरबानी अता रहमानियत रहीमियत वहाबियत रज़ाकियत या अल्लाह उन तमाम लश्करों से हमको हिम्मत अता फरमा, बहरा मंद फरमा, हम पे खास रहमत अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।